बगहा पुलिस जिला के विभिन्न थाना क्षेत्रों के क्वारंटाइन सेंटरों में चिकित्सकीय जांच के उपरांत प्रवासी मजदूरों को भर्ती कराने की कवायद जनप्रतिनिधियों के साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों ने शुरू कर दिया है, ताकि प्रवासी मजदूरों को कोविड-19 वैश्विक महामारी से बचाई जा सके। बगहा अनुमंडल अंतर्गत प्रखंड बगहा एक के चंद्राहा, रुपवरिया, बड़गांव, बीवी बनकटवा, पतिलार, टेसरहिया, बथुवरिया, मझवा समेत विभिन्न पंचायतों में सरकारी स्तर से प्रवासी मजदूरों को रखने के लिए बनाए गए क्वारंटाइन सेंटरों में मजदूरों की जांचों उपरांत भर्ती कराई जा रही है तथा सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर प्रवासी मजदूर रह रहे हैं। चंद्राहा रुपवरिया पंचायत के आदर्श राजकीय मध्य विद्यालय चंद्राहा शेरा बाजार परिसर में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में महाराष्ट्र समेत विभिन्न राज्यों से पैदल चलकर आए 46 प्रवासी मजदूरों की जांचों उपरांत भर्ती कराई। चंद्राहा रुपवरिया पंचायत के मुखिया सुंदरी देवी, मुखिया प्रतिनिधि शंभू प्रसाद सहित बथुवरिया थानाध्यक्ष धीरज कुमार सिंह के नेतृत्व में प्रवासी मजदूरों को क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती कराया गया। मुखिया व मुखिया प्रतिनिधि शंभू प्रसाद ने प्रवासी मजदूरों के बीच मास्क व साबुन का भी वितरण किया। उन्होंने बताया कि वे अपने स्तर से प्रवासी मजदूरों को नाश्ता व खाना की समुचित व्यवस्था करा रहे हैं। थाना अध्यक्ष धीरज कुमार सिंह ने बताया कि मेडिकल टीम के द्वारा प्रवासी मजदूरों को चिकित्सकीय जांच उपरांत क्वारंटाइन सेंटरों में भर्ती कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि जांच में मजदूरों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो, वे चौकीदारों के मुस्तैदी के साथ ही स्वयं निगरानी रख रहे हैं। मुखिया व थानाध्यक्ष ने संयुक्त रूप से बताया कि पीएचसी बगहा एक अतिरिक्त डॉक्टर अभय कुमार सिंह व मेडिकल टीम के सदस्यों के द्वारा नियमित प्रवासी मजदूरों की जांच क्वारंटाइन सेंटरों में कराई जा रही है। महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश समेत विभिन्न राज्यों से पैदल चलकर आए प्रवासी मजदूर प्रमोद पटेल, बच्चू मुखिया, लालजी यादव, उपेंद्र बीन, साहेब चौधरी समेत दर्जनों की संख्या में मजदूरों ने बताया कि वे लोग विभिन्न राज्यों से पैदल चलकर 14 दिनों में घर पहुंचे हैं तथा रास्ते में जगह जगह मेडिकल टीम के द्वारा जांच भी की गई है। अनुमंडल पदाधिकारी बगहा विशाल राज ने कहा कि बाहर से आ रहे प्रवासी मजदूरों के चिकित्सकीय जांचों उपरांत क्वारंटाइन सेंटरों में भर्ती कराई जा रही है तथा क्वारंटाइन सेंटरों में भर्ती प्रवासी मजदूरों के देखरेख के लिए अनुमंडल के सभी BDO व CO के साथ ही थानाध्यक्षों को भी लगाए गए हैं। उन्होंने लोगों से कोविड-19 वैश्विक महामारी से बचाव को लेकर घर में ही रहने की अपील की और कोरोना वायरस की महामारी से लोगों को बचाया जा सके। बगहा से हमारे संवाददाता कृष्णकांत तिवारी की रिपोर्ट। अच्छा, एक चीज बताया जाए, आपके यहाँ जितने प्रवासी मजदूर आए हैं कहाँ कहाँ से लोग आया है? कुछ लोग दिल्ली से आया है, पंजाब से आया है, उत्तर प्रदेश से आया है, कुछ लोग पड़ोसी नेपाल से आया है। क्या व्यवस्था है आपकी तरफ से? व्यवस्था अभी जो भी कर रहे हैं हम सरकारी पदाधिकारियों के आदेशानुसार कर रहे हैं। यहाँ जो व्यवस्था कर रहे हैं, रहने के लिए इन लोगों का बेड दिया जा रहा है, इन लोगों का भोजन दिया जा रहा है, इन लोगों का चाय दिया जा रहा है, इन लोगों का सैनिटाइजर, मास्क, साबुन सर्फ दिया जा रहा है। अच्छा, आपका अपना परिचय बताइए। हम शंभू प्रसाद, मुखिया पति ग्राम पंचायत राज चंद्राहा रुपलिया, प्रखंड बगहा है एक, जिला पत्नी। मुखिया कौन है? सुंदरी देवी। बगहा प्रखंड पड़ता है? बगहा एक प्रखंड। जिला? पश्चिमी चंपारण। देश के लिए क्या करेंगे जो महामारी चल रही है अभी देश महामारी में? इसलिए हम लोग का जो सरकार का दिशा निर्देश है उसी को देखते हुए हम लोग बीमारी से लड़ रहे हैं। हम लोग क्वारंटाइन सेंटर खुला है जो बीमारी से लड़ने के लिए, भेदभाव बीमार से नहीं, बीमारी से लड़ने के लिए। हमारे यहाँ जब भी है प्रतिदिन डॉक्टर आता है, लोग आकर के जांच का करके जाता है, कुछ अभी नहीं है, कोई संक्रमित नहीं है। यहाँ पर जो भी है सब स्वस्थ है। कितने लोग आए हैं बाहर से? अभी 46 आदमी रह रहा है क्वारंटाइन सेंटर में। आपका परिचय? चौकीदार जवाहर मालिक जी को। किस थाने के चौकीदार है? बथौड़िया थाना। क्वारंटाइन सेंटर पर तैनाती आपकी हुई है, आप नियमित रहते हैं? हाँ। देखभाल होता है? हाँ। प्रवासी मजदूरों का? हाँ। बड़ा बाबू आते हैं? हाँ। हेलो, बाथरूम के लिए, लैट्रिन के लिए कोई समस्या नहीं ना है यहाँ? ना, सही नहीं है सर उसका।